हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों के रूल नंबर 3 के बारे में सीखेंगे। पीछे के लेक्चर में हम रूल 2 तक सीख चुके हैं इंट्रोगेटिव के। रूल नंबर 3 है कि जब हिंदी वाक्य में कब, क्यों, कहां, कैसे, किसे, किसको यानी आए तो उनका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम वेन, व्हाई, वेयर, हाउ या होम जो शब्द आएंगे उन्हीं की मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद हम हैज हैव लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी मिलेगा। उसके बाद हम लेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर हमारा सेंस फार होगा, उसके बाद टाइम होगा। जैसे हमारा पहला है कि वह 2 दिन से कैसे स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर पहले हम मीनिंग लिखेंगे कैसे की, तो कैसे की मीनिंग हमें बन जाएगी हाउ। तो अब इसके बाद हमें लगाना है हैज है, तो यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के अनुसार हमारा लगेगा हैज, तो बना हाउ हैज। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह की मीनिंग हो जाएगा ही। फिर आएंगे सब्जेक्ट के बाद चाहिए अब हमें बीन, तो हमें मिलेगा बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी जा रहा है तो गोइंग, गोइंग के बाद स्कूल तो टू स्कूल। फिर आएंगे नेक्स्ट अदर वर्ड तक हो गया, अब हमें सेंस या फार लगाना है, तो यहाँ दिया है 2 दिन से, दिन का नाम नहीं दिया है तो यहाँ लग जाएगा फार, टू डेज। नेक्स्ट आएंगे तो तुम यहाँ 2 वर्षों से क्यों काम कर रहे हो, तो क्यों की मीनिंग यहाँ हो जाएगी वाई। उसके बाद तुम के अनुसार क्या बनेगा हैव, यू, बीन। आगे आएंगे काम करना तो वर्किंग, चाहे डूइंग द वर्क लिखें। फिर इसके बाद है 2 वर्षों से, सॉरी यहाँ पर दे दिया है यहाँ, तो वर्किंग के बाद हियर आएगा, फिर 2 वर्षों से, तो वर्ष का नाम नहीं है तो फॉर टू ईयर्स। नेक्स्ट होगा हमारा थर्ड नंबर, भी बचपन से कहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ की मीनिंग वेयर, वे के अनुसार तो है दे बीन, रहना तो स्टेइंग लिखें या लिविंग, लिविंग चूंकि लंबा समय है तो यहाँ पर लिविंग हो जाएगा। आगे है बचपन से, तो सेंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड CHILDHOOD। तो वे 10 वर्ष से किसे पढ़ा रहे हैं, तो किसी की मीनिंग बन जाएगी यहाँ पर होम, तो वे के लिए हैव, तो होम हैव। दे, दे के बाद हमें मिल जाएगा बीन, पढ़ाना तो टीचिंग। आगे है हमारा 10 बजे से, तो यहाँ पर घंटे का नाम दे दिया गया इसलिए सेंस 10 o'clock। नेक्स्ट आएंगे, आगे हम देखेंगे अब होमवर्क, तो हमारा होमवर्क है वे 2 वर्ष से कहाँ खा रहे हैं, तुम 10 दिन से कहाँ रह रहे हो, मैं उसे सुबह से क्यों पढ़ा रहा हूँ, आगे दिया गया है सब होमवर्क। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4 कि जब हिंदी वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, किन, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आए हों, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता आया हो, तो जब तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा। स्ट्रक्चर में हम पाएंगे क्या कि सबसे पहले विच, हाउ मेनी, हाउ मच यानी इन्हीं शब्दों की मीनिंग लिखी जाएगी,
फिर हमारा तुरंत बाद जो शब्द आएगा अर्थात सब्जेक्ट, फिर हैज बीन हैव बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, फिर सेंस फार और टाइम होगा। जैसे हमें मिला कौन सा लड़का, तो कह रहे हैं दो दिन से मोहन को पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मीनिंग कौन सा लड़का की, तो कौन सा की विच और बॉय। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाला कार्य लड़का ही कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया, तो अब हमें चाहिए सब्जेक्ट के बाद हम हैज बीन हैव बीन लिखेंगे, तो बॉय सिंगुलर है तो हैज बीन। आगे आ जाएंगे तो हमें वर्ब प्लस आईएनजी चाहिए, तो पढ़ाना, तो पढ़ाना का टीच, TEACHING, टीचिंग। फिर आगे चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है मोहन, तो यहाँ उसके बाद लग जाएगा मोहन। फिर आगे आएंगे दो दिन से, तो फॉर टू डेज। नेक्स्ट आएंगे किसका भाई उसे कल से बुला रहा है, तो सबसे पहले किसका भाई, तो हुज ब्रदर। उसके बाद आएंगे तो हैज बीन कॉलिंग उसे, तो हिम या हर, तो हिम आर हर, क्योंकि जिसे बुला रहा है वो क्लियर नहीं है, एक लड़का है एक लड़की। आगे है कल से, तो सेंस कल से बुला रहा है यानी यस्टरडे, YESTERDAY। नेक्स्ट है कौन सा लड़का मोहन को सुबह से नहीं पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वाला कार्य लड़का है और तुरंत बाद सब्जेक्ट आया है, तो यहाँ पर बन जाएगा विच बॉय। फिर आगे आएंगे तो बॉय के अनुसार हैज नॉट बीन, आगे है पढ़ा रहा है, तो टीचिंग टीचिंग मोहन को, तो मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सुबह से, तो सेंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा कितने विद्यार्थी इस स्कूल में कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाला कार्य जो कर रहे हैं विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी की मीनिंग हमारा हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज, सॉरी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब आगे आएंगे तो इसके अनुसार हमें मिलेगा हैव बीन, आगे है कि स्कूल में कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना का मतलब या तो स्टडिंग लिखें या रीडिंग, तो रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। फिर आगे आएंगे कि कई वर्षों से, तो कई वर्षों से के लिए बन जाएगा फॉर मेनी ईयर्स। ये रहा, आगे हम देखेंगे इनका होमवर्क, तो होमवर्क है कितने लोग बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं, कितने अध्यापक कल से उन्हें पढ़ा रहे हैं, कौन सी लड़की उससे तीन दिन से बात कर रही है, कितने लोग दिल्ली में बचपन से नहीं रह रहे हैं, आगे दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।